नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर एक नजर। कर्ज माफी से जुड़े पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, किसानों की लिस्ट के साथ संसद पहुंचे सांसद सुनील जाखड़, पीएम के दावे को बताया झूठा। यूपी में आवारा जानवरों का संकट गहराया, खेती को हो रहे नुकसान से किसान परेशान, गौशाला बनाने के लिए अब सरकार वसूलेगी सेस। एमपी में चना, धनिया, अरहर जैसी फसलों पर पाले की मार, किसानों को सताने लगा आर्थिक तंगी का डर, सरकार दे रही मदद करने का आश्वासन। महाराष्ट्र में फिर गरमाया गन्ने के भुगतान का मुद्दा, चीनी में भुगतान करने के लिए 28 जनवरी तक का समय, मांग ना माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी से आरोपों का तीखा जवाब दिया है। पंजाब से कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ राज्य में कर्ज माफी का लाभ पाने वाले 4,14,285 किसानों से जुड़े कागजात लेकर लोकसभा पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने लोकसभा में कहा, कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मशाला में लोगों से झूठ बोला है। पंजाब सरकार ने किसानों से कर्जा माफी का वादा किया था और उसे निभाया भी है। जाखड़ ने कर्ज माफी से लाभान्वित हुए किसानों की सूची सौंपी। उन्होंने कहा कि पंजाब की कैप्टन सरकार ने 2.5 एकड़ तक के किसानों के 2,00,000 रुपए तक के सारे कर्ज माफ किए हैं। इसकी सूचना बैंकों के पास मौजूद है। सारी राशि सीधे किसानों के खाते में दी गई है। मंत्री मोदी कुछ अपने एडवाइजर्स की उस जुंडली के अंदर गिर चुके हैं और जमीनी पदर के ऊपर जो किसान की दशा है, चाहे वो मंदसौर में गोलियां चली, चाहे 180 किलोमीटर महाराष्ट्र में किसान चल के आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की दुर्दशा से बिल्कुल वाकिफ नहीं है और उनको उनके एडवाइजर्स ने यथार्थ से बहुत दूर रखा हुआ है। उनकी आंखें खोलने के लिए मुझे आज ये सारी लिस्ट यहाँ पे लेके आना पड़ा है। हिमाचल सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर आयोजित रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पंजाब में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। किसानों को कुछ नहीं दिया गया। थोड़े दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, वहाँ कर्ज माफी, जबकि कर्नाटक में कर्ज माफी के नाम पर महज 800 किसानों को टोकन भर राहत दी गई है। पंजाब चुनाव के पहले पता नहीं कितने कितने वादे किए थे कर्ज माफी के, अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया। थोड़े दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, वहां कर्ज माफी का वादा कर दिया और अब सिर्फ 800 किसानों को टोकन रुपया देकर के हाथ ऊपर कर दिए। भाइयों बहनों, जो काम कर नहीं सकते हो, आपको भी पता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के जवान की आंख में धूल झोंको, चुनाव जीतने के लिए देश के किसान की पीठ पे छुरा फोंको, ये खेल कब तक चलता रहेगा। सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार ने सारी राशि अपने कंसोलिडेटेड फंड से अदा की है, जो ऑडिट योग्य भी होता है। कर्ज माफी की राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में डाली गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को इस कदर सफेद झूठ बोलना शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्ज माफी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में भी उन्होंने कर्ज माफी को लॉलीपॉप बताया है। किसानों को लाभ मिला बताओ। किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी आमने सामने आ गए हैं। कुमार स्वामी ने कर्ज माफी से जुड़े प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज किया है। शनिवार को गाजीपुर में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कर्नाटक में केवल 800 किसानों का कर्ज ही माफ हुआ है। थोड़े दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, वहाँ कर्ज माफी का वादा कर दिया और अब सिर्फ 800 किसानों को टोकन रुपया देकर के हाथ ऊपर कर दिए। कुमार स्वामी के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में पीएम मोदी की इसी टिप्पणी को गलत, असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है।
इसमें ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री को किसानों की कर्ज माफी क्रूर मजाक दिखाई देता है, लेकिन वो बिना तथ्यों को जाने बयानबाजी करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, गलत बयानी करने से पहले तथ्यों को जान लेना चाहिए। ट्वीट में 12 बिंदुओं के साथ कर्ज माफी का ब्यौरा दिया गया है। इसमें कर्ज माफी की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने, बिचौलियों को दूर रखने और आधार, लैंड रिकॉर्ड और राशन कार्ड के मिलान के साथ असली किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 60,000 किसानों के खातों में पैसे डालने जैसे दावे किए गए हैं। इसमें कर्ज माफी की प्रक्रिया जारी होने और अगले एक हफ्ते में 1,00,000 किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने का दावा भी किया गया है। इसमें 2019 के पहले महीने तक पूरी योजना को जमीन पर उतारने का भी दावा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मोदी सरकार आम चुनाव में किसानों को लुभाने की जुगत में है। इसमें किसानों को सीधे आर्थिक मदद देने की योजना शामिल है। आम चुनाव होने में 100 दिन का समय बचा है, इसलिए ऐसी किसी भी योजना को तेजी से लागू करने के लिए सरकार किस मानक को आधार बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए वो समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज से राहत देने, फसल बीमा योजना के तहत किसानों का प्रीमियम चुकाने जैसे विकल्पों के साथ किसानों को सीधे आर्थिक लाभ देने पर विचार कर रही है। लेकिन चुनाव में अब महज 100 दिनों का वक्त ही बचा है, ऐसे में सरकार के सामने किसी योजना को जमीन पर उतार पाने की चुनौती है। खासतौर पर लाभार्थियों के चयन का क्या पैमाना रखा जाए, ये सवाल इसलिए भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्ज माफी से जरूरतमंद किसानों को लाभ पहुंचाने पर सवाल उठाते रहे हैं। क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है, कितने किसानों को फायदा होता है? देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है। ज्यादातर किसान साहूकार के पास से लोन लेता है, और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है। सीधे आर्थिक मदद देने की योजना का लाभ जरूरतमंद किसानों को ही मिले, इसके लिए सटीक आंकड़ों की जरूरत है। द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक मोदी सरकार इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकती है। इसका मकसद उन गरीब किसानों तक पहुंचना है जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है। बीते महीने SBI रिसर्च की ओर से पेश रिपोर्ट के मुताबिक देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 21.6 करोड़ है, जिन्हें सालाना 2 किस्तों में प्रति परिवार 12,000 रुपए देने पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि मोदी सरकार अगर ऐसी कोई योजना लाती है तो उसे वित्तीय घाटा बढ़ने की चुनौती से भी जूझना पड़ेगा, जो पहले ही तय लक्ष्य को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और कर्ज माफी से जुड़ी इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है AIKS के संयुक्त सचिव NK शुक्ला जी। शुक्ला जी, किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कर्ज माफी है, इसको प्रधानमंत्री मोदी लॉलीपॉप बताते हैं और क्रूर मजाक बताते हैं किसानों के साथ, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बात यह है कि किसान जो आज कर्ज में फंसे हैं सरकार की नीतियों के कारण, 2014 में जिस वादे पर आए थे, अगर इन्होंने उसी समय कर्ज माफी की घोषणा करने के पहले MSP दे देते, 13 गुना MSP दे देते स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक, तो आज जो पिछले 5 साल से किसान कर्जदार हुए हैं वो कर्जदार नहीं होते, कर्ज माफी की मांग नहीं करनी पड़ती। इसीलिए ये तो 5 साल का हमारा बकाया है किसानों का सरकार पर, जो स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं किया, और इसलिए वो कर्ज माफी, हम कर्ज हमारा माफी की बात नहीं है, वो तो हमारा जो सरकार पर बकाया है वो हम मांग कर रहे हैं पिछले 5 साल से, जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है। जो स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक 1.5 गुना कीमत उनको नहीं मिला, इससे लगातार खेती घाटे में जा रही है, खेती में जो जरूरी सामान जो आवश्यकता है वो महंगा होता चला गया, डीजल लगातार महंगा होता गया, खाद बीज दवाई लगातार महंगा होता चला गया, उसके कारण आज किसान नुकसान में है। इसलिए किसान कर्ज माफी और उसके साथ साथ फसल का 1.5 गुना कीमत का ये मांग कर रहा है। इसलिए लॉलीपॉप की बात नहीं, ये हमारे लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है,
कि किसान जिंदा रहे और खेती चलता रहे, अन्नदाता जिंदा रहे, देश को जो अन्न देने वाला है, अन्न की आपूर्ति करने वाला है वो जिंदा रहे, इसीलिए हम कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति की बात कर रहे हैं। सरकार जो है वो किसानों को सीधा पैसे देने की योजना लाने की बात कर रही है, और अगर ऐसी योजना आती है तो सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के आंकड़े जो हैं जिसके आधार पर वो अपने लाभार्थी चुनेगी वो कितने उपयोगी होंगे, क्या वो इसको जमीन पर उतार पाएगी? नहीं नहीं, वो जमीन पर उतर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड वो रास्ता है जिससे किसान की पहचान असल करते करते 5 साल हो जाएगा। आज तो जो स्थिति है उसमें जो किसान कर्ज लिया है वो है, उसको उसका लिस्ट है। दूसरी चीज हम मांग करते हैं, जैसे हम लोगों की सरकार केरला में किया था, किसानों के लिए ऋण मुक्ति कानून लाया था, कि जो प्राइवेट कर्ज है उसको भी सरकार अपने जिम्मे ले और अपने जिम्मे लेकर के उसको माफी करे, क्योंकि किसानों में कम से कम आधे से अधिक कर्ज प्राइवेट महाजनों का भी है, ये भी बात करते हैं, इसलिए दोनों की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में आवारा जानवरों को सरकारी इमारतों में बंद करने का सिलसिला जारी है। अलीगढ़ और मथुरा के बाद अब जौनपुर में भी ग्रामीणों में आवारा जानवरों को स्थानीय स्कूलों में बंद करना शुरू कर दिया। आवारा जानवर स्कूल के अंदर और बच्चे बाहर, उत्तर प्रदेश में आजकल ये नजारा आम हो चला है। जौनपुर के बनपुरवा गांव में आवारा जानवरों से परेशान होकर ग्रामीणों ने उन्हें प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया। इससे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम ठप पड़ गया। विद्यालय पठन पाठन बाधित रहा, बच्चे आए, बच्चों को जो है अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता के क्रम में हम लोगों ने विद्यालय को बंद रखा और इन लोगों के अंदर नहीं जाने दिया। आगे एसडीएम साहब आए हैं, उनसे वार्ता हो रही है। आवारा जानवरों को लेकर मामला यही नहीं थमा। जानवरों को स्कूल में बंद करने की सूचना पाकर जब पुलिस टीम इन्हें छुड़ाने पहुंची तो ग्रामीणों के साथ तीखी नोक झोंक हो गई। किसान आवारा जानवरों की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं, क्योंकि इसके चलते इन्हें इस कड़ाके की ठंड में दिन रात खेतों में पहरा देना पड़ रहा है। ये जो छुट्टा पशु इस समय इतना आतंक मचा है कि हमारी बीघे बीघे खेती जो चल रही है, कम से कम रात में समझ लीजिए हम लोग जाग करके हम लोग बीमार हो जा रहे हैं इनके चक्कर में, और इसका जो कोई समाधान सरकार नहीं कर रही है, खाली कर रही है कि हम वहाँ बनवा रहे गौशाला, वहाँ बनवा रहे, ये क्या मतलब चल रहा है भाई? हम लोग की समस्या ये है कि इन लोगों से हमें छुटकारा जल्द से जल्द दिलाया जाए, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे और कोई गलत कदम उठा लेंगे। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, उसका कोई पाबंद नहीं करेगा, गौशाला नहीं बनाएगा, इसको ले नहीं जाएंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे। दूसरे जिलों में भी किसान आवारा पशुओं को सरकारी इमारतों में बंद कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के पास इस समस्या का जल्द समाधान होने के आश्वासन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसको गौशाला का निर्माण किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा ताकि आगे दीर्घावस्था में इसको हम असिस्टेंट कर सकें। खेती के बढ़ते घाटे से जूझ रहे किसानों के लिए आवारा जानवर नई आपदा बन गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों को आवारा जानवरों से राहत देने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आवारा जानवरों की समस्या से निपटने के लिए पुलिस कुछ अलग ही प्रयोग कर रही है। अलीगढ़ में पुलिस वालों ने गाय पालने का फैसला किया तो बांदा में आवारा जानवरों की सूचना देने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रात के घोर अंधेरे में आवारा जानवरों के बीच चमकती रोशनी फिलहाल किसानों और लोगों के लिए राहत की रोशनी सी लगती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये रोशनी रेडियम की उन पट्टियों से निकल रही है जिन्हें खुद पुलिसकर्मियों ने आवारा पशुओं के सींगों पर लगाए हैं। ये पूरा काम एक अभियान के तहत किया जा रहा है ताकि रात के अंधेरे और कोहरे में भी आवारा पशुओं की मौजूदगी दूर से पता चल सके, किसान भी दूर से उनको देख के जान सकते हैं, थोड़ी सी भी लाइट पड़ने पे वो चमकता है, और जो सड़क में गाड़ियां आ रही हैं उनकी लाइट पड़ने पे दूर से चमकता है, इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और फसलों की भी सुरक्षा रहेगी। बांदा के उलट अलीगढ़ में पुलिस आवारा पशुओं को लेकर एक अलग तरह का अभियान चला रही है। यहां अब सभी थानों के साथ एसएसपी, एसपी, एएसपी और डीएसपी के सरकारी आवासों में
अब एक एक गाय पलती दिखाई पड़ेगी। पुलिस महकमे की इस पहल के पीछे क्या कारण है, आप खुद ही सुन लीजिए। सामूहिक तौर पर एक निर्णय स्वेच्छा से लिया गया कि हम सभी लोग, सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और सभी जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं, वो एक एक ऐसी गाय जो कि दूध देना बंद कर दी हैं, उनको लेंगे और उनको हम लोग पालेंगे, ताकि उससे एक मैसेज भी जाए और इससे जो है जो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है उसमें भी लोगों में एक पॉजिटिव अपील हो कि हाँ, जो भी लोग सक्षम हैं वो जानवरों को इस तरह से न छोड़ें और दूध देना बंद करने के बाद भी उनका पालन करें। कोई शक नहीं कि अलीगढ़ और बांदा पुलिस की इस पहल को सराहनीय कदम के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इससे आवारा जानवरों से उपजी समस्याओं का समाधान किस हद तक हो पाएगा, ये सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है। उत्तर प्रदेश के बांदा से विनीत तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसानों के हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अब गो कल्याण सेस लगाने जा रही है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे मिलने वाले राजस्व को से गौशालाएं बनाई जाएंगी और उन्हें चलाने पर खर्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी। अब प्रदेश की पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगम में स्थायी गौवंश आश्रय स्थल की अस्थायी स्थापना की जाएगी। इसके संचालन के लिए गौवंश सेस लगाकर धन इकट्ठा किया जाएगा। इन अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों को चलाने के लिए शराब पर 0.5% गौ कल्याण सेस लगाया जा रहा है। इसके अलावा मंडी परिषद की मंडी शुल्क में 1% की वृद्धि की जाएगी। मंडी समिति ने सहमति 2% के लिए दे दी है, ऐसा 34 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। मुझे लगता है इसी साल के अनुसार अगर वो 2% भी देंगे तो 345 करोड़ के आसपास ऐसी व्यवस्था तुरंत होने की संभावना है। यूपी के राजकीय निर्माण निगम सेतु निगम UPSIDC को होने वाले लाभ का 0.5% गौ आश्रय स्थल को चलाने के लिए देना होगा। राज्य सरकार के अधीन यूपीडा द्वारा चलाए जा रहे टोल टैक्स संस्था भी 0.5% रकम गौ कल्याण सेस के रूप में देगी। योजना के तहत हर जनपद में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कम से कम 1,000 गौ आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। लाभ के हमारे संस्थाएं हैं, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह सामाजिक दायित्व के तहत वो भी उसका 0.5% गौवंश के भरण पोषण के लिए देने का ये सरकार ने निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने गौआश्रय स्थल बनाए जाने के योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। गौ कल्याण कोष से अगर इसे लगाया जा रहा है तो उसका समुचित उपयोग होगा और जो इधर उधर गौ विचरण करते हैं जिसके कारण काफी नुकसान भी हो जाता है, उससे लोग बच भी सकेंगे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में लोग नर गौवंश को बेसहारा छोड़ देते हैं क्योंकि कृषि में अब इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे में ये आवारा घूमते हैं और सड़क दुर्घटना का सबब बनते हैं, साथ ही किसानों की फसल भी बर्बाद करते हैं। अब सरकार गौ आश्रय स्थल बनाकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता दिवाकर त्रिपाठी मौजूद हैं। दिवाकर, ये जो गो कल्याण सेस है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेने चाहूंगी। यूपी सरकार का जो ताजा फरमान है, इसको किस तरह से पार्टियां ले रही हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार देखा गया कि मॉब लिंचिंग का मामला हो या फिर किसानों की फसलें जो है वो नुकसान होने का मामला हो, जो जो छुट्टा पशु या अपने के निराश्रित पशु जो है वो घूमा करते हैं, तो उसके बाद योगी सरकार ने फैसला लिया कि गौशालाएं जो है वो खोली जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है वो सीएम बनते उन्होंने गायों पे ध्यान दिया था और पहले भी ऐसी कवायदे हुई थी, लेकिन गौशाला जो है वो नहीं बन पाई थी। हालांकि पहले देखा गया कि 100 करोड़ रुपए जो है वो योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए थे, लेकिन उतने में गौशाला नहीं बन पा रही थी। तो अब कल योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश के हर जिले में गौशाला बनाई जाएगी और ये जो गौशालाएं हैं वो ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक बनाई जाएंगे। तो ऐसे में फंड की जरूरत थी, तो अब फंड के लिए
कहीं कि 8 विभागों में सेस लागू किया गया, आबकारी विभाग में 2% सेस लागू किया गया है, मंडी परिषद में 1% सेस लागू किया गया है, जो राजकीय जो हाईवे है उन पे कहीं कहीं टोल टैक्स के जरिए पैसा लिया जाएगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां है वो कहीं कहीं हमलावर दिखाई दे रही है। वो दो तरीके से हमला बोले, एक तो बोल रही कि ये लूट का नया तरीका जो है वो योगी सरकार ने निकाला, क्योंकि सभी विभागों पे सभी चीजों पे कहीं के टैक्स और सेस है, तो आपका राजकीय कोष में आता तो आप उससे व्यवस्था कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी का, समय का अभाव है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए किसान बुलेटिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। महाराष्ट्र में गन्ने के बकाया भुगतान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सांसद राजू शेट्टी की अगुवाई वाले स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रैलियों में ये सवाल उठाने का ऐलान किया है। सांसद राजू शेट्टी ने 28 जनवरी तक किसानों का बकाया भुगतान ना होने पर हल्ला बोल आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे डाली है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने इससे पहले किसानों का एक मुश्त भुगतान ना होने पर 1 जनवरी से आंदोलन करने की बात कही थी। महाराष्ट्र में चीनी मिलें चालू हुए 50 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन 14 दिनों में पैसा भुगतान करने का नियम होने के बावजूद किसानों को अब तक पूरा भुगतान नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र सरकार ने सूखा डिक्लेयर करने के बाद इस एग्रीमेंट में जो प्रावधान है उसके तहत 25% रकम किसानों को देनी चाहिए, लेकिन किसी भी किसानों को अभी बीमा कंपनियों ने कुछ पैसा दिया नहीं है। किसानों को राहत नहीं मिलती तो इससे ही बड़ा संघर्ष होगा, यही चेतावनी देने के लिए हमने मोर्चा निकाला था। और मध्य प्रदेश में तापमान गिरने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई जिलों में पाले से चना, मटर, गेहूं और आलू की फसलें खराब हो गई हैं। कहीं अरहर तो कहीं पर चना, धनिया, मटर और मक्के की फसलें पाले की चपेट में हैं। पत्तियों पर जमी बर्फ यानी पाले ने किसानों की अच्छी फसल होने की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन, देवास, नरसिंहपुर और राजगढ़ जिलों में पाले की वजह से फसलें झुलस गई हैं। रायसेन में ज्यादा उत्पादन की उम्मीद में किसानों ने इस साल अरहर का रकबा बढ़ा दिया, लेकिन गिरते पारे के सामने ये दाव उल्टा पड़ गया है। पाले से अब तक 60-70% फसल खराब होने का अनुमान है। 6.5-7 एकड़ के लगभग में मेरी तुअर लगी थी और आप देख रहे हैं, जैसा पूरा देख लिया है आपने, पूरी पूरी फसल खराब हो चुकी है, पूरा नुकसान हो चुका है इसमें। बहुत नष्ट भाई है। काय की फसल लगाई थी? नहर की थी, 20 एकड़ थी। और आसपास के क्षेत्रों में भी सब दूर रुखराई तक चले गए झूले नहर की। इतना खतरनाक पाला पड़ा है? बहुत खतरनाक, कटन सब सूख गए। देवास और नरसिंहपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। अरहर के साथ मटर और आलू की फसलों पर पाले की जबरदस्त मार पड़ी है। ऐसा नुकसान हुआ है तो सार में हम लोग की फसल बिल्कुल भी नहीं बची, और इस साल मटर में इतनी लागत आई है कि हर साल की अपेक्षा इस साल लागत बहुत ज्यादा आई हम लोग की मटर में। सफेद पड़ गया पूरा मटर, जैसे जैसे इसमें धूप लगेगी ये बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल पच जाएगा, सड़ जाएगा ये मटर। ये मटर कोई काम का नहीं बचा। और राज है यहाँ पे, देख रहे, राहर भी लगी है मेरी, उसमें भी तो साल लगा हुआ है। सुबह 6:30 बजे जब हम खेत आए तो बर्फ की परत जमी थी, मटर, राहर, चना और मसूर में 80% नुकसान की संभावना है। राजगढ़ में मक्के, धनिया और मिर्च की फसलों पर ऐसी मार पड़ी है कि कई एकड़ में खड़ी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। यहाँ यही हाल धनिये की फसल का भी हुआ है। 7-8 बीघा का धनिया सारा जल गया। सारा जल गया।
कितने परसेंट नुकसान है टोटल? 100% नुकसान है सर, बिल्कुल ही बची तो नहीं कहीं। सर देखिए वजह से 4-5 बीघा का धना बढ़ गया, चना बढ़ गया 4 बीघा का, और सब मक्का बढ़ गई, मरचा भट्टा ये अनकी मटर ये डालर चना सब बढ़ गया। सूबे में ठंड ने बीते 18 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी की मार से बेहाल किसानों को अब आर्थिक तंगी का डर सताने लगा है। हालांकि प्रशासन नुकसान का आकलन कराने के बाद भरपाई का आश्वासन दे रहा है। पर जो आपको प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि नुकसानी हमको 1-2 दिन बाद समझ में आएगी, तो अभी कल या परसों से जो है हमारे दल जाके करेंगे, क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और देखेंगे वास्तविक तौर से नुकसान कितना हुआ है। बढ़ती लागत और फसल की सही कीमत ना मिलने से परेशान किसानों के लिए पाला अब नई मुसीबत बनकर सामने आया है। ऐसे में किसान सरकार से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और चलते चलते उत्तर प्रदेश से ये खबर कि कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं पर सरकार की पानी की लापरवाही दिखाई दे रही है। और इटावा जिले में नहर ओवरफ्लो होने से किसानों की लागत और मेहनत दोनों पर पानी फिर गया है। पानी में बुरी तरह डूबे इटावा के भरतना तहसील के सराय जलाल गांव के इन खेतों में गेहूं की फसल बोई गई थी, लेकिन नहर के पानी के ओवरफ्लो होने से 50 बीघे में बोई गई इन फसलों के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है। मगर सवाल ये है कि जिस नहर की देखरेख के लिए खास अधिकारी रखे गए हों, वहां ये नौबत आई ही क्यों? किसान इसके लिए अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दोषी मानते हैं। रजवा की सफाई की बुढ़िया की सफाई न होने के कारण पानी ऊबर हो गया, ऊबर से आया खेतों में जलमग्न हो गई फसल। कम से कम 10 किसानों के खेत परियन ऊपर पानी से भरी हुई है। हालांकि मामले की देखरेख कर रहे अधिकारी इसके लिए किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि किसान अपने फायदे के लिए नहर को काटकर अपने खेतों में पानी ले जाते हैं और नहर के ओवरफ्लो होने पर फसलों को नुकसान होता है। नहर में सफाई होने के बावजूद जहां भी लोगों ने किसानों ने कट लगा के पानी ले रहे थे खरीफ की फसलों के समय या पटरी काट के करीब की फसलों में पानी यहाँ ले रहे थे, तो वो वहीं पर अपनी स्थिति में कटिंग की स्थिति में छोड़ गए थे और उसी जब पानी आया तो वही फिर पानी उसी के रास्ते उनके खेतों में पहुंच गया। बहरहाल अधिकारी और किसानों के अपने अपने दावे हैं, मगर इन दावों के बीच सच्चाई ये है कि पानी के इस ओवरफ्लो ने 50 बीघे में बोई गई फसलों को लील लिया है। ऐसे में किसानों के सामने सवाल है कि इसका अब उपाय क्या है। फिलहाल अधिकारियों के पास भी इन हालात पर कोई जवाब नहीं। इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अन्नू चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस।